अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने जो आज रेसिपी बनाई है नए तरीके से, और ये आपको पसंद आएगी। ये नई तरीके की रेसिपी हमारी, कुछ नया मेथड है, कुछ नई चीज़ें हैं। तो आज हमने बनाया है शाही पनीर और लच्छा पराठा। और शाही पनीर में हमने ना क्रीम यूज़ किया है ना मलाई यूज़ किया है। लच्छा पराठा भी बहुत जल्दी और बहुत इजी बनने वाली रेसिपी है। तो आज की हमारी ये रेसिपी, दो टेबलस्पून ऑयल गरम कर करके और हम मखाने को थोड़े से लोटस सीड लिए उसे फ्राई कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्रिस्प हो जाए। और अब इसे निकाल के एक साइड रखते हैं। उसी पैन में थोड़ा तेल और ऐड करते हैं, 2 टीस्पून लगभग ज़ीरा डालेंगे, लौंग इलायची डालेंगे और दालचीनी डालेंगे। थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। ऐड कर देंगे हम 2 बड़े प्याज को हमने चॉप करके रखा हुआ था, और इसे बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है हमें, बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। अब हम डाल देंगे लहसुन और अदरक, इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो प्याज के साथ हमें लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा भून लेना ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अब हम डाल देंगे 2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी धनिया की पत्ती और 1 चुटकी नमक डालेंगे, 4-5 काजू डाल देंगे, और ये 2 कटे हुए टमाटर हैं, 2 बड़े टमाटर को काट लिया है उन्हें भी डाल देंगे हम। और अब थोड़ा सा भून लेंगे हम सारी चीज़ों को। ज़रा सा नमक यूँ ऐड करते हैं कि थोड़ा सा हमारी सब्ज़ियाँ अच्छे से गल जाएं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और अब हम इन्हें कुक करेंगे। प्याज टमाटर गल चुके हैं, हम इसे निकाल करके अलग रखते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। आइए अब तैयारी करते हैं लच्छा पराठा बनाने की। तो हमने 1 कप लिया है गेहूं का आटा और 1/2 कप लिया है मैदा, और साथ ही मिला लेते हैं कुछ चीज़ें हम मिला लेंगे इसमें, जैसे कि अजवाइन है 1/2 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी हमने डाला है, चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर डालने से लच्छा पराठा में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब आटा हम लगा लेंगे, थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट आटा हमें लगा लेना है रोटियों के जैसा। और आटा लगा करके हम इसे ढक करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आइए अब पैन को फिर से गर्म करके 2 टीस्पून तेल डालते हैं और ज़रा सा मक्खन डालते हैं, करीबन 2 टीस्पून। चुटकी भर डाल देंगे ज़ीरा, हरी इलायची, दालचीनी, लौंगे, इन्हें क्रैकल होने देते हैं, इनकी खुशबू आ जाए तेल के अंदर। अब हम डाल देंगे अपने पिसे हुए मसाले को, और इसी मसाले के साथ हमने मखाने को भी पीस लिया था, टमाटर और प्याज के पेस्ट के साथ मखाने को भी हमने पीस लिया था। तो ये काजू वगैरह का पेस्ट है, काजू, टमाटर, प्याज और मखाना। अब हम डाल देंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैंने गरम मसाला कह दिया, वो धनिया पाउडर था, और वैसे भी मैंने लिख दिया है आपको सबटाइटल्स में, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। मसाला को थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। मसाला हमारा थिक हो चुका है,
अब हम डाल देंगे ग्रेटेड किया हुआ पनीर को 2-3 चम्मच, और अब हम नमक को डालेंगे। तो नमक अपने जायके के हिसाब से मिला लीजिए, और अब डाल देंगे ऊपर से हम पनीर के टुकड़ों को। तो फ्रेंड्स, हम मैं पनीर के टुकड़ों को फ्राई नहीं करती हूँ, जब भी शाही पनीर बनाती हूँ। तो मैंने पनीर को ऐसे कट कर लिया है और ग्रेवी में डाल दिया है। और एक टुकड़ा मक्खन का भी डाल दूंगी ऊपर से। अब हम इसे कुक करेंगे बंद करके 2-3 मिनट के लिए। आइए इधर लच्छा पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने लोइयों को काट लिया है। और अब हम इसकी एक बड़ी रोटी बना लेंगे। एक टीस्पून ऑयल या घी लगा लेंगे ऊपर से, और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे। तो लच्छा पराठा बनाने की मैं सबसे इजी रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये बहुत इजी मेथड है। लच्छा पराठा कई तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन ये वाला मेथड सबसे इजी है। तो फ्रेंड्स, ये जल्दी ही बन जाने वाली रेसिपी है। इसी तरह से लेयर लगा लेते हैं रोटी की। और आप इसे घुमा लेंगे इस तरह से। सबसे नीचे वाला एंड वाला सिरा को पीछे की तरफ लगा करके और दबा देंगे। तो ये तैयार हो गई हमारी लोई या पेड़ा। अब हम इसे बेल लेंगे। मोटाई देखिए इतनी रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करते हैं पराठे को। अब आइए तवा पे इसे सेकेंगे। तवा मीडियम हॉट है हमारा, और थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मोटा होता है तो सिकने में टाइम लगता है। तो हम इसको इसी तरह अलट पलट के सेकेंगे। पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक गया है, तो ऊपर से हम घी लगा लेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। घी लगा के भी हम 1-2 मिनट सेकेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और क्रिस्प हो जाए हमारा पराठा। तो ये बन गया हमारा लच्छा पराठा। और जब गर्म हो तभी थोड़े से इसको दबाते हैं ताकि लेयर्स इसके निकल के आ जाएं। तो फ्रेंड्स, हमारा लच्छा पराठा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, और इसके लेयर्स ये देखिए आसानी से नज़र आ रहे हैं। बहुत आसानी से इसकी परतें दिख रही हैं। आइए सर्व करते हैं हम अपने बहुत ही मज़ेदार शाही पनीर को, जिसमें हमने ना क्रीम यूज़ किया है, ना मलाई यूज़ किया है, और कुछ नई चीज़ें यूज़ की हैं जो आपने देखा। हमने मखाना यूज़ किया है इसमें। तो ये तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी लंच। आप चाहे तो अपने डिनर या ब्रंच जब भी चाहे बना लें। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें एक फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कुछ नया लेके, कुछ मज़ेदार लेके। अल्लाह हाफिज़।